नारी शक्ति वंदन आज जो कार्यक्रम हमने बाइक रैली का रखा है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, जितने भी मोदी जी की जो योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी योजनाएं जिन जिन लोगों को मिली है, जो भी लाभार्थी है, वो सभी लाभार्थी इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं। देश के पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में इतने महिलाओं के लिए योजनाएं लाई, 270 योजनाएं लाई है। आभार मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत आप देख रहे हैं मातृगौरव। मैं हूँ व्यास कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह है। महिलाएं इसे विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम मानती है। इससे महिलाओं का सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता तथा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में तथा महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष अनिता ताई पाटिल के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अद्भुत प्रयास को लेकर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत एक रैली निकाली गई, जिसमें मोर्चा की कार्यकर्ताओं के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं और लाभार्थी बहनों ने भाग लिया। यह रैली 7-11 से रवाना होकर मीरा रोड में इसका समापन हुआ। इस रैली में रंग बिरंगी पोशाकों के साथ हाथ में प्ले कार्ड लिए महिलाओं ने सरकार के प्रति आभार जताया। बहनों का मानना है कि नारी उत्थान के लिए जितने प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, उतने प्रयास कभी किसी भी सरकार ने नहीं किए। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, जिससे आज महिलाएं निडर होकर आधी रात को भी घर से बाहर निकल सकती है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए। जब इस कार्यक्रम को लेकर हमने कुछ बहनों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नारी शक्ति वंदन आज जो कार्यक्रम हमने बाइक रैली का रखा है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, जितने भी मोदी जी की जो योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सभी योजनाएं जिन जिन लोगों को मिली, जो भी लाभार्थी है, वो सभी लाभार्थी इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बाइक रैली में हिस्सा लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं की सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। और विशेषकर ऐसे जो विशेषकर जो BPL जो पीछे वो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं, ऐसी कई महिलाएं हैं जो जिनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने इस चीज़ का लाभ लिया है। और वो लाभ लेने के साथ साथ आज सभी बाइक रैली में उपस्थित हुई हैं बड़ी तादाद में। BJP की सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला के अध्यक्ष, महिला जिला की अध्यक्ष अनिता पाटिल और हमारे पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी भी इसमें हाजिर हुए हैं और वो बड़ी तादाद में सभी ने इसमें हिस्सा लिया है। और हम इस रैली को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सफल हो गया है। भारत के पंत प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये महिला शक्ति वंदन प्रोग्राम निकाल रहे हैं। इसमें हम सारी मीरा भाईंदर की, भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर की सारी महिलाएं रैली में उपस्थित होने जा रहे हैं। और हम आभार मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है और उनके ही पद चिन्ह पे महिलाएं चल रही है। मैं बताना चाहूँगी कि आज जो रैली निकल रही है 7-11 एकेडमी स्कूल के सामने से, जिला ऑफिस से होते हुए दीपक हॉस्पिटल से लेफ्ट टर्न होएंगे हम लोग मीरा भाईंदर रोड के तरफ जाएंगे, मीरा भाईंदर रोड के तरफ से होते हुए SK स्टोन, देन SK स्टोन से होते हुए हम लोग MTNL रोड पे आएंगे, MTNL रोड पे होते हुए डायरेक्ट सीधा हम लोग निकलेंगे अयप्पा मंदिर होते हुए थोड़ा आगे जाके हम लोग वहाँ पे स्टॉप करने वाले। हम धन्यवाद चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का। देश के पंतप्रधान यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में इतने महिलाओं के लिए योजनाएं लाई है, 270 योजनाएं लाई है और बहुत सारी महिलाओं मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। इसलिए आज हम शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत उनको धन्यवाद देने के लिए रैली का आयोजन किया है। हमारे यहाँ पे छोटे बच्ची से बड़ी माता तक को उन्होंने इस योजनाओं का योगदान दिया है।
ये सब योजनाओं का योगदान लेने वाली बहुत सारी महिलाएं, पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं यहाँ आज आई है कि देश में एक हम मीरा भाईंदर में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे अगले पंतप्रधान मोदी जी ही वापस चुन के आए और हमारे बची हुई जो लेडीज का और ज्यादा वो सहकार्य करे, इसलिए उनको नमन करने के लिए आज हमने ये रैली का आयोजन किया। धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने पिछले 10 वर्षों में काम हुए उसमें सबसे ज़्यादा काम महिला सशक्तिकरण, महिला सबलीकरण के ऊपर उन्होंने किए हैं, तो उसके प्रति आभार जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला की ओर से एक स्कूटी रैली का आयोजन किया गया है। इसमें सभी महिलाएं उन सभी योजनाओं के बारे में जन जागृति के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से लोगों में जन जागृति उत्पन्न करेंगी और लोगों को उस योजनाओं के बारे में बताएंगी। इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी और साथ साथ में जितनी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, बचतगढ़ की महिलाएं हैं, इस तरह की सभी महिलाओं ने इसमें भाग लिया है और सभी का उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सभी योजनाओं के बारे में धन्यवाद प्रस्तुत करना।